नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सेक्शन यूट्यूब चैनल पे। आप OBS में आपका जो पर्टिकुलर एरिया है उसको आप जूम कर सकते हैं एक ऐसे प्लगइन के जरिए जो मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए, उस प्लगइन का नाम है OBS LUA। तो इस प्लगइन को आपको obsproject.com इस वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड के लिए आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और यहाँ पे गो टू डाउनलोड इस पेज पे जाइए। आप जैसे गो टू डाउनलोड पेज पे जाएंगे तो आपको एक GitHub की वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ पे आपका जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा वो आपने डाउनलोड कर लेना है। फिलहाल मेरे केस में ये लेटेस्ट वर्जन है जो कि 1.0.1 है। आपके केस में आप जब भी डाउनलोड करेंगे तब अलग हो सकता है। तो आपको ये वाली जो फाइल है इसको डाउनलोड कर लेना है .elu ये वाली। अब इस फाइल को मैंने पहले ही डाउनलोड करके रखा है जो डाउनलोड फोल्डर में है। अब इसके बाद का काम आपको OBS में जाके करना है। अब ये जो OBS है इसमें आपको इस टूल्स मेनू में आना है। टूल्स मेनू में आपको स्क्रिप्ट्स बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद में इस प्लस आइकॉन को क्लिक करिए। अब यहाँ पे आपको ये स्क्रिप्ट्स वाला फोल्डर ओपन होगा। अब आपको ये फोल्डर ओपन रहते ही डाउनलोड फोल्डर में जाना है। उसके बाद में यहाँ पे डाउनलोड फोल्डर ओपन होगा और इस फाइल को कॉपी कर लेना है। अब डाउनलोड फोल्डर का कोई काम नहीं है, हमने फाइल कॉपी कर ली है। अब स्क्रिप्ट्स फोल्डर में इसको पेस्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे ये मैसेज आया है रिप्लेस द फाइल इन द डेस्टिनेशन। आपको ये मैसेज नहीं आएगा, कॉपी और पेस्ट हो जाएगा। ये मैसेज मुझे इसीलिए आया कि मैंने यहाँ पे पहले ही पेस्ट करके रखा था। यहाँ पे इसे ओपन कर दीजिए। ओपन होने के बाद में कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब ध्यान दीजिए, जूम सोर्स यहाँ पे जो ऑप्शन है इसको हम सेटिंग करेंगे। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देखिए, जूम द सिलेक्टेड डिस्प्ले कैप्चर सोर्सेज टू फोकस ऑन द माउस। हम यहाँ पे डिस्प्ले कैप्चर को सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें डिस्प्ले कैप्चर ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हैं। जूम फैक्टर यहाँ पे 2.0 ही रहने दीजिए। जूम फैक्टर मतलब एकदम से आपको कितना जूम चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे स्पीड, अब मैं यहाँ पे जूम फैक्टर को आपको रिकमेंड करूंगा आप ये जो सेटिंग है 2.5 रख दीजिए। जूम यानी थोड़ा बड़ा देखिएगा नॉर्मल रेंज से। जूम स्पीड यहाँ से आप यही रहने दीजिए, इसे इंक्रीज मत करिए, स्पीड प्रॉपर तरीके से फिट बैठती है। उसके बाद में ऑटो फॉलो माउस का ऑप्शन दिया हुआ है, ये बाय डिफॉल्ट रहने दीजिए। फॉलो आउटसाइड बाउंस आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करके देख सकते हैं इसका क्या कहना है। तो मैं यहाँ पे फॉलो आउटसाइड बाउंस रखता हूँ, जबकि माउस मेरा बाहर भी जाएगा तो भी ये फॉलो करेगा। फॉलो जो स्पीड है ये बाय डिफॉल्ट 25 है। इसको आप बढ़ाएंगे तो आपकी जो फॉलो स्पीड है, मतलब अभी ये माउस यहाँ पे है, यहाँ पे फॉलो होगा तो वो वहाँ पे फॉलो करता रहेगा। जहाँ जहाँ माउस जाएगा वहाँ का स्क्रीन रिकॉर्डिंग जूम की तरह होता रहेगा। ये मैं बाय डिफॉल्ट 25 है, 0.25, इसको थोड़ा कम करता हूँ। ये इतना ठीक है, 12 से 10 के बीच में। बॉर्डर्स ये सेम रहने दीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे ऑटो लॉक ये रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बाय डिफॉल्ट रहने दीजिए। बस यहाँ पे समझ लीजिए अलाउ एनी जूम सोर्सेस, मतलब आप डिस्प्ले कैप्चर के अलावा भी कुछ सोर्सेस कैप्चर करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए अभी कोई ऑप्शन है क्या? नहीं। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको डिस्प्ले कैप्चर की जगह और भी ऑप्शंस आएंगे, जैसे इमेज आ गया, डिस्प्ले कैप्चर आ गया, माइक, ऑक्सिलरी, डेस्कटॉप ऑडियो। आप नहीं चाहते तो इसको अनटिक कर दीजिए, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ से इसको आप अभी क्लोज कर दीजिए। अभी यहाँ पे कोई सेटिंग मत करिए। बारी बारी से दिखाएंगे आपको कि जब मैं फुल स्पीड करूँगा तो क्या फ़र्क गिरेगा ये भी समझाऊंगा। तो अभी यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ। एक बार चेक कर लीजिएगा डिस्प्ले कैप्चर बराबर है। जी हाँ बराबर है, इसको कर दीजिए क्लोज। अब यहाँ तक सेटिंग हो गई आपकी। अब करिए सेटिंग में जो OBS का ऑप्शन है सेटिंग, इसमें जाइए। अब यहाँ पे आपको हॉट की जाना है। हॉट की में आपको यहाँ पे टॉगल जूम टू माउस पे एक क्लिक कर दीजिए, एक बटन जो भी आपका न्यूमेरिक होगा। उसके बाद में यहाँ पे 2 दे दीजिए। अब यहाँ पे कर दीजिए अप्लाई, ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे समझने वाली ये बात है, जो माउस होगा आपका जूम जो एरिया होगा वो एक बटन दबाने से जूम होगा और एक बटन दबाने से जूम आउट भी होगा। तो मीन जूम आउट दोनों एक ही बटन से होगा, एक नंबर बटन से। टॉगल फॉलो माउस ड्यूरिंग जूम, और इससे क्या होगा, 2 से आपका जो माउस कर्सर फॉलो होता है वो बंद और चालू होगा। देखिए मैं प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। ओके करता हूँ, अब हो गया यहाँ पे। अब हम चलते हैं हमारे डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। अब आप देखिएगा किस तरह से ये वर्क करता है। ये नॉर्मल रेंज है। अब मैं यहाँ पे एक बटन प्रेस कर रहा हूँ, देखिए जूम हो गया। अब यहाँ पे आप देखिएगा ये इस तरह से वर्क करता है। जहाँ जहाँ मैं माउस का पॉइंटर लेके जा रहा हूँ ये वहाँ वहाँ घूम रहा है। 2 बटन मैंने प्रेस किया, इस तरह से अब ये वर्क कर रहा है। फिर से 2 बटन प्रेस किया, अब इस तरह से ये वर्क कर रहा है। फिर से 1 बटन प्रेस किया, अब ये नॉर्मल रेंज में आ गया। तो इस तरह से आपने जाना कि आपका जो माउस पॉइंटर है तो इस तरह से आपको जूम इन कर सकता है, जूम आउट कर सकता है। इस तरह के नए टेक्निकल वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।